नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में पहली बार कृषि बजट भी आएगा, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि विशेषज्ञों से बात कर चुके हैं। ये पहली बार का बजट होगा, जब कैसा होगा, क्या खास होगा, इसको लेकर के पूरे राजस्थान में एक तरह से कहूं कि जिज्ञासा बनी हुई है। और क्या एजेंडा हो सकता है इसमें पूरी तरह से, क्या इनसे तमाम कोशिशों के बाद किसान के अच्छे दिन आएंगे, वो बड़ी बात है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हैं, किसान नेता रामपाल जाट साहब हमारे साथ हैं, भाजपा से माधव सिंह जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि वास्तव में इसकी रिक्वायरमेंट है, ना केवल राज्यों में देश में भी आना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जीडीपी को आगे बढ़ाने वाला या कंटिन्यू अगर कोई हेल्पिंग हमारा कोई स्ट्रक्चर है तो वह एग्रीकल्चर है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए अब बजट की रिक्वायरमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं मान रहा हूं कि ये एक प्रयोग जो है नया, एक तो प्रयोग नया है और दूसरा ये राजस्थान के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि अगर हम राजस्थान की अब तक की अगर प्रोग्रेस की बात करें तो चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे चावल हो, या मतलब या दलहन तिलहन वगैरह सबकी जो भी है उत्पादन के क्षेत्र में हम काफी मतलब पंजाब के बाद, जितने आजादी के बाद हमने प्रगति की है पंजाब स्टेट के बाद में, तो राजस्थान की एक उपलब्धि रही है। अब सवाल ये होता है कि हमें बजट जो कृषि का जो बजट लेके आ रहे हैं वो इस समय बिल्कुल सामयिक है। हम एक तरह से केंद्र सरकार जब ये कह रही है कि हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे, नए कृषि विधेयक लाए जा रहे हैं या उनको विड्रो किया जा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि मूल रूप से कृषि जो बजट लाया जा रहा है वो न केवल कृषि बल्कि किसानों और उससे जुड़े जैसे पशुपालन है या मत्स्य पालन है या मुर्गी पालन है वगैरह जो भी, इन सब का समग्र विकास, चाहे वो उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग का हो, चाहे आपका उसका विपणन की मांग, अगर तीनों में ही समन्वय हो और इनमें ही नए प्रयोग किए जाएं, इन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जाए, इन्हीं को आगे कुछ किया जाए, अगर इस दिशा में ये कृषि बजट लाया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। न केवल ये प्रयोग के रूप में वह एक एक नई चीज लेके आ रहे हैं या वो उतना सार्थक नहीं हुआ। उपलब्धि इसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि किसान को ही उत्पादक के अलावा उसका विपणन और उसके प्रोसेसिंग का मालिक बनाया जाए और ऐसी इस व्यवस्था के अंदर चैनलाइज करने की आवश्यकता है। अगर बजट इस पे केंद्रित होता है तो ये बहुत बढ़िया बात होगी और ये कृषि के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल महेश जी, अगर बजट पहली बार आ रहा है मुझे लगता है कि कुछ अलग होगा, क्योंकि यही बात है कि हर किसी की जिज्ञासा कि बजट होगा कैसे। रामपाल जी जाट साहब के पास में जाना चाहूंगा। रामपाल जी, आप लोगों को तो शायद मुख्यमंत्री ने आमंत्रित भी किया था कि भाई किसानों से, इनसे कृषि क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी है, क्योंकि पर्यावरण को भी इसी में जोड़ा हुआ है, तो इस दिशा में क्या लगता है आपको कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जिसका इंतजार है आप लोगों को वर्षों से? स्वागत योग्यतम है जी। इसकी तो जी, अभी जो दिल्ली में केंद्र में सत्तारूढ़ डाले उन्होंने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान राजनाथ सिंह जी, और मुझे ध्यान आ रहा है योगेंद्र जी आपने उनका साक्षात्कार लिया था इसी विषय पर, जयपुर पधारे थे उस समय भी, उन्होंने पूरे देश में घोषणा की कि हमारा राज आने पर हम कृषि के लिए पृथक से बजट लाएंगे, लेकिन वहां तो अभी दिखा नहीं 7 साल में, थोड़ा राजस्थान में दिखा, हमें इसकी खुशी है। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, जो अभी महेश जी साहब बोल रहे थे एकदम सही है कि किसी भी क्षेत्र को यदि प्रोत्साहन देना है तो पहले उसका आकलन सही करो और उसके लिए जो बजट का आवंटन है राशि का वो भी उसी अनुपात में दो। तो आज 72% जन है जो ग्रामीण समाज के नाते जाने जाते हैं, ग्रामीण जनसंख्या है, तो यदि इस बजट में 72%
अनुपात में ये बजट दिया जाता है तो ये एक अच्छा कदम होगा। और दूसरा, इस कारण से पूरा आकलन खेती का, खेती पे फोकस वो भी होगा। तीसरा, कृषि के संबंध में जो भी कानून बनाए जाने हैं राज्य बनाएगी, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून, ये राज्य का ही अधिकार है कानून बनाने का, तो उसका कानून बनाएगी। और उसके लिए जो अभी कृषि उपज मंडी अधिनियम में प्रावधान है, वहां जो एक शब्द लिखा हुआ है एम ए बाई मे, इसको ही शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो शेयर करने पर ये बाध्यकारी कानून हो जाएगा, अभी ऐच्छिक है, इसलिए बाध्यकारी होने पर किसानों की फसलें वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं बिकेगी। और उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, लेकिन राज्य इसमें कोई फैसला कर पाएंगे एमएसपी पर? ये सारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है योगेंद्र साहब, यदि इच्छा शक्ति है तो जरूर। राज्यों के पास में जितना बजट, क्योंकि एमएसपी पे पूरी खरीद की गारंटी देना बहुत बड़ा काम है, राज्यों का इतना बजट ही नहीं है जितनी क्रॉप को अगर एमएसपी पे खरीदा जाए तो। इच्छा शक्ति तो तब होगी जब उतना बजट राज्यों का हो। योगेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, ये भी ये गलत नहीं है, लेकिन ये जो कानून है इसमें खरीद की बात नहीं है, इसमें चाहे प्राइवेट ट्रेडर हो, चाहे प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे सरकार हो, कोई भी खरीदेगा तो उसे कम दामों पर नहीं खरीद सकता, ये प्रावधान होगा। खरीद का तो काम ये तो केंद्र सरकार घोषित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वही करेगी और वही बजट देगी। और केंद्र से हमने ये आग्रह भी किया है, हमने तो पत्र लिखा है कि आप राज्यों को प्रोत्साहन दो, जिससे 2017 में केंद्र सरकार ने कृषि उपज के संबंध में जो आदर्श कानून तैयार किया है, जो प्रारूप तैयार किया है, जिसका उल्लेख बजट 2020-21 में भी केंद्र सरकार ने किया है, उस बजट को लागू करने के लिए यदि आप इंसेंटिव देंगे जी स्टेट को, राज्यों को। चलिए रामपाल जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस लौटा, आप थोड़ा सा पीछे रहिए, आपका फोरहेड कट रहा है क्योंकि पूरी पिक्चर में आप आ नहीं रहे। हाँ जी, बस अब ठीक है। माधवराम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये पहला बजट होगा एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी कि अलग, आम बजट से जो स्टेट का आएगा उससे अलग हट करके होगा। मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो प्रतिपक्ष के नाते स्वागत योग्य कदम है या फिर कुछ कहेंगे इस पे? योगेंद्र जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने कहा, आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी। और अभी महेश जी भाई साहब ने कहा कि मंशा साफ होनी चाहिए। पिछला जो बजट आपने देखा होगा कि पिछला जो बजट रहा उसको 7 संकल्पों में बांटा था, उसमें भी इन्होंने बजट में 3420 करोड़ रुपए का किसानों के लिए प्रोविजन किया था। पर आपने ये देखा, अभी मेरे भाई रामपाल जी किसानों को जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे थे जो साहित्य, मैं अपने आप में ये कहूँ कि मैं और ये दोनों ही खेती से जुड़े हुए गांव के आदमी है। अगर ये एमएसपी की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस ने एमएसपी लागू होने के बाद में राजस्थान में सबसे बड़ा प्रोडक्शन यहाँ पे बाजरे का होते हुए क्या बाजरा खरीदा? एक बोरी भी बाजरे की नहीं खरीदी। और यहाँ पे बाजरे की आज भी गत वही है, 1300-1400 में बाजरा बिक रहा है। तो कानून बनाना या नहीं, महेश जी भाई साहब कह रहे हैं वैसे मंशा होनी चाहिए। अगर आप बजट ला रहे हो तो आपकी मंशा होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एमएसपी को मैंडेटरी कर देंगे। मैं कहूंगा रामपाल जी भाई साहब, अगर मेरे घर में बाजरी पड़ी है, 1000 बोरी मेरे पास में पड़ी है, अगर आप किसको बेचेंगे? प्राइवेट पे लागू होने के बाद में अगर वो आके और व्यापारी ये कहेगा कि मैं तो आपकी बाजरी को 1000 रुपए में लेना चाहता हूँ, आप मंडी में ले नहीं रही है सरकार, तो मैं किसको बेचूंगा? तो कानून बनने से नहीं होता। कानून अगर मंशा आपकी साफ होनी चाहिए। आपने यहाँ पे अपन ने देखा कि बार बार अपन बात करते हैं कि 2 लाख रुपए के ऋण का जो माफी का एक पत्र इन्होंने सरकार ने 18 तारीख को जारी किया और वो डीबी गुप्ता जी से साइन करा के, और आज गांव गांव में प्रत्येक किसान हाथ में लेके बैंक के सामने जाके कहता है मेरा लोन माफ कर दो। तो ऐसा मजाक नहीं बनना चाहिए। मैं फिर आग्रह करना चाहूंगा मेरे साथियों से, किसान के नाम पे जो मजाक हो रहा है वो सभी को महंगा पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बने और जो भी व्यवस्था हो उसकी क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मेरा यही आग्रह। नहीं, लेकिन बजट पहली बार अलग से आ रहा है, मैं उसमें भी जानना चाहूंगा, आपको स्वागत कर रहे हैं कि नहीं इसका भी? आप योगेंद्र जी भाई साहब, मैंने कहा जब मंशा आपकी है ही नहीं, एक बोरी आपने एमएसपी की नहीं खरीदी तो बजट लाने से क्या हो जाएगा? आपने पत्र जारी किया डीपी गुप्ता जी के यहाँ से 2 लाख रुपयों का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ हो गया, क्या हो गया क्या?
इस पे कोई जवाब देगा क्या प्रदेश में? चलिए राजेंद्र आर्य जी, राजेंद्र आर्य जी, बजट अलग हो चाहे शामिल हो, हमारे साथी जो माधोराम जी बैठे हैं, अच्छे पढ़े लिखे और किसानों के बारे में समझते हैं, खुद भी किसान नेता हैं वो, उनका साफ कहना है कि जब तक मनसा नहीं होगी बजट लाने से कोई फायदा नहीं है। बजट होगा इस वजह से स्वागत करने से भी बच रहे होंगे, बजट का स्वागत नहीं कर रहे हैं। अभी आप कहें कि चलो उन्होंने स्वागत किया है, स्वागत नहीं किया। उनका साफ कहना है कि मनसा जब तक नहीं होगी, जब तक चाहे कितने बजट लिया हो, हर क्षेत्र का अलग बजट हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट रखी है और इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि मैं अपनी सरकार की जो आने वाले समय में जो कृषि बजट आने वाला उसका जिक्र करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले जाऊंगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना केंद्रीय बजट जारी किया है और फरवरी 2022 है और किसानों की दो आय दुगनी करने का वादा किया था, आज तक तो किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, लागत कई कई गुना बढ़ गई। और दूसरा, जो इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जो कृषि बीमा के अंदर जो प्रावधान था उसको भी घटा दिया है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि उर्वरक संकट आया था पिछले साल, डीएपी का बड़ा संकट आया था, डीएपी का अधिकांश हिस्सा हम विदेशों से आयात करते हैं, तो इस बजट के अंदर उर्वरकों पे भी मतलब बजट घटा दिया है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने हमारा जैसे कि बीज है, कीटनाशक है, मतलब कृषि यंत्र है, उपकरण है, ट्रैक्टर है, और भी जो चीजें हैं, चाहे पशु आहार है, चाहे पोल्ट्री फीड है, इन सब पे जो जीएसटी लगा है जुलाई 2017 के बाद में, उसमें कोई रियायत या राहत नहीं दी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक की ये सबसे खराब किसान विरोधी सरकार है। तो अब मैं अपनी सरकार के बारे में बता दूं, प्रदेश की दो तिहाई आबादी जो है ना सर हमारी, वो कृषि आधारित उद्योगों पे या कृषि आधारित जो हमारी है उस पे निर्भर करती है, चाहे उसमें पशुपालन है, चाहे उसमें डेयरी पालन है, चाहे कृषि है, चाहे जो भी खाद्य प्रसंस्करण के लोग हैं, इस पे आधारित है। और करीबन प्रदेश की जीडीपी का 29.77% कृषि क्षेत्र से आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से कृषि बजट की घोषणा की। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत करी, जिसके अंदर करीबन आप देखेंगे कि 12,000 रुपया प्रति किसान सब्सिडी का प्रावधान किया गया और जिसमें छोटे किसान है, कईयों के तो 1,000 रुपए से के कम के भी जो बिल थे वो माफ हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपका मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, उसके अंदर किसानों को फायदा हुआ। उसके अलावा जो हमारे सहकारी बैंक है, उन्होंने करीबन 36,357 करोड़ के अल्पकालीन ऋण पिछले 3 सालों में दिए हैं। इसके साथ मैं ये और बताना चाहता हूं कि जो ऊर्जा क्षेत्र के अंदर किसानों को पिछले 3 सालों में, राजेंद्र जी सुनिए मेरी बात, सुनिए पूरी बात सुनिए, देखो माधोराम जी राजेंद्र जी देखिए, मैं उपलब्धियों पर और क्रिटिसिज्म पर, उपलब्धियों पर नहीं सर, मैं बताऊं तो सही, कृषि क्षेत्र में 3 सालों मेरा सवाल है उसके बारे में बताऊंगा। मेरा ये सवाल नहीं है सर, मैं ये नहीं चाह रहा। अगर बजट में लालचंद कटारिया पिछली उपलब्धियां ही गिनेंगे तो थोड़ी देर उपलब्धि नहीं गिना रहा हूं, मैं नहीं गिना रहा हूं। इन्होंने जो चाह रहे हैं बजट से क्या स्थिति हो सकती है, मैं उस पर मैं पूछ रहा हूं, इन्होंने जो आरोप लगाया मैं उनका जवाब दे रहा हूं। अरे सर मत दीजिए जवाब दे रहा हूं आप जवाब मत दीजिए, जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। मेरा अगर 41,000 करोड़ अगर राजेंद्र जी, अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग इस डिबेट को सार गर्भित बात करने के लिए 4 मिनट देंगे और 20 मिनट अगर हंगामे में एक दूसरे के टांग खींचने में निकाल देंगे तो मजा नहीं आएगा, आप लोगों को भी नहीं आएगा। दर्शक देखते हैं हमें बाकायदा बताते हैं, आप लोगों की वजह से ही वो हमारा आभार भी व्यक्त करते हैं, हमें थैंक्स देते हैं, लोग कमेंट्स देते हैं, बुरा लगता है तो उसमें सुधार के लिए कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, अगर उन्होंने लगाया कि मैं अभी, आप ये बताइए कि 7 मिनट तक अगर आप आरोपों का जवाब देंगे तो फिर दूसरे लोग कब बोलेंगे? मैं आऊंगा वापस। योगेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, बिल्कुल अभी लौटूंगा, पहले आपके पास
पहले आपके पास पहले आपके पास दिक्कत है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलने दीजिए राजेंद्र जी, आपको लोग गंभीरता से सुन रहे हैं। पूरी नहीं हुई ना, मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा पूरी बात। आप एक लाइन में अपनी पूरी बात करें। मेरा एजेंडा ये है कि बजट क्या रिक्वायरमेंट है राजस्थान की, मैं उस पे जानना चाह रहा हूं। मैंने उनसे भी कहा क्या स्वागत करेंगे। देखिए प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि राजस्थान में पहली बार अलग से एग्रीकल्चर बजट आ रहा है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। मैंने माधोराम जी से भी कहा कि आप ये बताइए, किसान नेता भी हैं आप साथ में, क्या आप स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनकी इच्छा है कि अभी देखेंगे मनसूबे क्या रहते हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्यों आवश्यकता पड़ रही है किसान बजट की, आप उस पर फोकस करिए बस। मैं उसी पे ही तो फोकस कर रहा हूँ। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिजली और ऋण, दोनों चीजों पे राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और आपको पता होगा कि आगामी वर्ष के अंदर भी 23,500 करोड़ का सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण की व्यवस्था की है, जो कि 5,000 करोड़ अधिक है। माधोराम जी लौटूंगा सर, माधोराम जी उनको बोलने दीजिए। चलिए राजेंद्र जी कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात पूरी करिए, समय कम है। आइए ना आप, हम भी उसको सर 41,000 करोड़ की जो टैरिफ सब्सिडी किसानों को दी गई है 3 साल के अंदर, 41,000 करोड़ की, आज तक बता दीजिए आजादी के बाद प्रदेश में किसी सरकार ने आपका जवाब हुआ। मैं इसी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बार मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए ये उपलब्धि बताएंगे, वो कहेंगे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, राहुल गांधी ने सभा में कहा, ये बजट के आसपास की सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की खूबी और उपलब्धि है। प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, अभी तक किसी ने छुआ नहीं है इसको, कि वास्तव में बजट आ रहा है तो क्या चाहते हैं लोग। आपके हिसाब से मैं ये जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में रिक्वायरमेंट है कि एग्रीकल्चर का बजट अलग से आना चाहिए। देखिए मैं जहां तक है मैं इसका स्वागत करता हूं जी। ये एक नया प्रयोग है, ये चौथा नंबर का स्टेट होगा, कर्नाटक आंध्र और तमिलनाडु के बाद में राजस्थान होगा। मैं ये कृषि बजट आ रहा है, ये अपने आप में बात। दूसरा ये है कि इसका जो मकसद है, दो मकसद जो जिसे बता रहे हूं कि जो मकसद इसका ये होना चाहिए कि जो पुराना का पुराना डर रहा, आप अगर बजट में से कृषि पशुपालन सहकारिता और अन्य जो इससे जुड़े हुए विपणन वगैरह क्या, अगर वो का वो ला करके और वो घोषणाएं और वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। बल्कि इसमें अब एम जब आप बजट लेके आ रहे हैं तो किसान का समग्र विकास होना चाहिए। किसान को सिर्फ उत्पादन तक सीमित ना रखें, वो उत्पादक नहीं है, उत्पादक के साथ साथ उसे प्रोसेसिंग में भी उसको शामिल करना चाहिए, उसे विपणन का अधिकार भी मिलना चाहिए, ताकि वो आज एक बात बता रहा हूं कि क्या वजह है कि आलू किसान बोलता है और उसका चिप्स जो बाजार में आपके 100 रुपए में मिलता है और वो किसान को मिलता है मतलब 10-12 रुपए। अब ये जब तक आप इसको इन चीजों को डिफरेंशिएट, इनके बीच में जितनी भी कड़ियां हैं उन कड़ियों में सुधार करने के लिए अगर आप वो बजट लेके आते हैं, उसका मकसद ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये कौन सी सरकार कर रही है, मैं ये चाहता हूं कि किसान का हित होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, न कि हमने उनके लिए इतनी सड़कें बना दी, हमने उनके लिए ये बिजली के कनेक्शन दे दिए, हमने तक उसको ब्याज, आप उनको आत्मनिर्भर बनाइए, किसान को आत्मनिर्भर। हो सकता है उसी दिशा में बजट आ रहा हो, तब तो बजट अलग से लाने की सार्थकता है, अन्यथा आप ये इतने उसमें करते रहे। रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा सर, समय बहुत कम है। रामपाल जी एक मिनट में अपनी बात कहिएगा। इसके जैसे पश्चिम के कुछ दक्षिण के कुछ राज्य, 3 राज्यों में ये है, चौथा राज्य राजस्थान होगा, तो हम मान सकते हैं कि वहां की स्टडी सरकार कर रही हो, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई वहां पे अनुभव प्रयोग अनूठे प्रयोग किए हैं, तो क्या मान सकते हैं कि उन राज्यों से भी कुछ लिया होगा इन लोगों ने, कि हाँ वो किस तरह से काम किया जा रहा है वहां पे। योगेंद्र जी, राजस्थान बाजरा, जौ, मूंग, सरसों, ज्वार, इसबगोल, धनिया, जीरा, इनमें बहुत अग्रणी है। दूसरी तरफ जो हमारा दूध उत्पादन है पूरे देश में दूसरे नंबर पर है राजस्थान, इसलिए इन चीजों को यदि सपोर्ट मिलेगा तो मैं सोचता हूँ तो अच्छी बात है। और यदि हम ये कहना चाहें कि अभी हम इससे इसकी आलोचना करेंगे तो उसका अधिकार है, और जब बजट आएगा उसके बाद तो हम कह सकते हैं ना कि ये ठीक नहीं आया। लेकिन बजट लाना पहला तो यह प्रयोग शुरू तो करें,
तो जैसे अभी तमिलनाडु अपना बजट ले आए, उनका बजट आ गया, इनका बजट दोनों का जो है ना, कर्नाटक का दूसरे प्रदेश का इनका बजट आएगा, ऐसी स्थिति में यदि राज्य ऐसे प्रयोग करते हैं तो कृषि संविधान में राज्य का विषय है, किसान कल्याण राज्य का विषय है, और राज्य यदि ऐसे स्टेप लेते हैं तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। बाद में देख लेंगे जब बजट आएगा किसकी मंशा कैसे थी, हम मंशा तो बजट के बाद ही तय होगा, वो बजट के बाद ही तय होगा। माधोराम जी आपके पास आना चाहूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए। देखिए बजट एक तरह से भविष्य का गर्भ होता है कि उसमें क्या है अपन को अंदाजा नहीं है, अगर वो पहले बार आ गया तो फिर उसका अपनी जो कहें कि सिक्योरिटी होती है, उसकी पवित्रता होती है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है, गोपनीय दस्तावेज कहते हैं उसे हम, तो उसके और क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं बहुत हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, अभी किसान को जो प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो उस दिशा में हो सकता है कि पहले रेलवे का बजट अलग केंद्र में आता था, पहले भी आता था, बंद किया फिर वापस शुरू किया फिर बंद किया, तो उस दिशा में तो मान के चल सकते हैं मैं कि हाँ बिल्कुल सरकार जब अलग सा बजट लेकर के आ रही है तो मनसा भी कुछ अलग ही होगी। मैं महेश जी भाई साहब की कुछ बातों से सहमत हूँ, वास्तव में इन्होंने अच्छी चीज कही, किसान का अगर आपको वास्तव में विकास करना है तो प्रोसेसिंग और उसके साथ में जोड़ के लाना चाहिए, और मैं आप जहां तक कह रहे हैं कि क्या इनको ये बजट पहले बार ले रहे हैं तो अगर शहरीय देना है तो मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं अगर वास्तव में इनकी मंशा साफ होगी और ये पारदर्शिता के साथ में जो करना चाहते हैं अगर लाएगी तो जनता स्वागत कर देगी इनका, मेरे कहने या नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि किसान के साथ में पिछली बार जो जिस तरीके से 3 साल में जो आंकड़े ये दे रहे हैं, मैं आंकड़ों का जवाब देने के लिए तो 1 घंटा चाहिए, पर उस तरीके से आंकड़े देने की जरूरत नहीं है, मत छेड़िए उनको, ये है कि साफ मन से आवे और वास्तव में किसान का भला करना चाहते हैं तो ये जनता अपने आप स्वागत कर देगी, मेरे को इनको कहने की जरूरत। चलिए आखिरी सवाल राजेंद्र जी, राजेंद्र जी बजट की आवश्यकता है, अगर और भी प्रदेश लेके आते हैं अच्छी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा आज भी बहुत बड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये कह सकता हूँ कि ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाने वाला है, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मान के चलती है, अभी जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आई उसमें भी इसका जिक्र किया गया कि कोरोना के दौरान भी हमारी GDP को मजबूती दी है वो एग्रीकल्चर ने दी है, तो इस दिशा से मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप वो मत बताइए कि हमने बिजली कम की नहीं बढ़ाया है मैनिफेस्टो को, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा इसकी आवश्यकता है, क्या वास्तव में उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से योगेंद्र जी हम इसी दिशा में आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट कृषि बजट पूर्व जो विशेषज्ञों से या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए, पशुपालन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से बात की और उनसे पूरे के पूरे जो सुझाव आए उन सुझावों का समावेश होगा, और ये अलग से कृषि बजट देने का सिर्फ सरकार का इतना सा मकसद है कि इनके लिए जो जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है फंड की वो बजट एलोकेशन के अंदर उसका पर्याप्त प्रावधान किया जा सके, क्योंकि कृषि क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों की जो प्रायोरिटी अलग है, और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि जो पूरा देश है कि इस कोरोना काल के अंदर ही कृषि की वजह से ही सस्टेन कर पाया, तो केंद्र की सरकार को भी किसानों का ध्यान रखना चाहिए और राज्यों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो बजट एलोकेशन है उसमें भी जो कृषि क्षेत्र के जो एलोकेशन है उनको बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। चलिए इंतजार होगा कि एग्रीकल्चर बजट पहली बार आएगा राजस्थान के अंदर, 3 राज्यों के बाद चौथा राज्य राजस्थान होगा, निश्चित रूप से आम बजट से ज्यादा उस बजट का इंतजार होगा एक बड़े तबके को, पूरे प्रदेश को, कि हमारी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं जो उसके बेस पर चल रही हैं, तो निश्चित रूप से क्या कुछ खास रहेगा हम देखते हैं, और निश्चित रूप से बजट की सार्थकता तभी होगी कि उसमें दिशा और दशा कुछ अलग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।